हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह थर्सडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके सवालों के जवाब लेकर। सो अपने मन में फटाफट लेकर आइए कुछ सवाल जिसके जवाब आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन से। तो यहाँ पर आपको दो दो डेक्स नज़र आ रहे होंगे। इस डेक्स से हम लेंगे आपके सवाल और इस डेक्स से हम लेंगे उनके जवाब। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो अपने मन में एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, जितने भी सवाल आपको लेकर आने हैं आप लेकर आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब आपको मिल सके। और अगर आपका सवाल यहाँ पिक होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके सवाल से। इसे हम तीन बार शफल करके रखते हैं ताकि, क्योंकि उसके बाद शफल नहीं होगा। ओके, सोच लिए सवाल आप लोगों ने? चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला सवाल। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर, क्योंकि अभी आपके पार्टनर बहुत डर रहे हैं, कोई स्टैंड लेने से डर रहे हैं इस रिश्ते में। मे बी इन्होंने आपको मना कर दिया हो, आपको कह दिया हो कि शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं माँ बाप के अगेंस्ट जाकर शादी करूँ या आपको कमिटमेंट दूँ। तो आप में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इनके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि ये आपके लिए स्टैंड लें और शादी के लिए बातचीत आगे बढ़ाएं आपके परिवार से या अपने परिवार से। दूसरा सवाल, आप में से कई लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि उनकी तबीयत कैसी है। कुछ लोगों के पार्टनर बीमार हो सकते हैं। दोनों ही सवालों के जवाब हैं ठीक नहीं है। तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, जिसकी भी तबीयत का आपने पूछा है अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा है कि क्या वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारे लोग इनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, बट ये जो एनर्जी है ना, इसमें अभी तो ये स्टैंड लेने की वाइब्स में नहीं है। अभी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये जूझ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि ये जूझ रहे हैं, ये बैकआउट नहीं कर रहे हैं, ये अभी भी स्ट्रगलिंग मोड पर हैं, है ना? तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड। इससे नहीं लेंगे हम, दूसरे से लेंगे। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दें, क्या स्टैंड ले पाएंगे। वी हैव गॉट मजिशियन, सेलिब्रेशन एंड द लवर्स। यस, 100% यस, ले पाएंगे, लेकिन अभी नहीं। इट विल टेक टाइम, थोड़ा समय लगेगा। इससे इसलिए क्लैरिफाई नहीं किया ना, क्योंकि ये एंजल्स से पूछ के मैंने सेट करा है, तो अब इसको चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड कार्ड है द लवर्स। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या हमारा यूनियन होगा, परमानेंट यूनियन, क्या हमारी शादी होगी, क्या मैं अपने डिवाइन पार्टनर के साथ हूँ या डेस्टाइन पार्टनर के साथ हूँ। ये आप में से कई लोगों के सवाल हैं। जवाब है, अभी आपके पर्सन की वाइब्स में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो यूनियन होगा जैसा कि मैंने अभी कंफर्म किया, लेकिन इट विल टेक टाइम। पेंटिकल्स है तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है, मतलब जो भी समय आपने एक्सपेक्ट किया है उससे ज़्यादा समय लग सकता है। लेट्स चेक कि कितना समय लग सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दें। अभी तो ये गिल्ट में है, परेशान है। ये जो कार्ड आया था, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, सेम कार्ड है, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट है, तो ये लेंगे, स्टैंड लेंगे, यूनियन होगा, लेकिन समय लगेगा। दोबारा से वही एनर्जी आई है। सो एनर्जी सेम, अभी तुरंत से इंस्टेंटली यूनियन और परमानेंट यूनियन और स्टैंड लेने की वाइब्स नहीं है। सब होगा लेकिन अपने समय से, अभी इट विल टेक टाइम। ठीक है,
आप में से कुछ लोगों ने ये भी जानना चाहा है कि क्या आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं, क्या आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वही आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम या डेस्टाइन पार्टनर है। द आंसर इज़ येस। आप में से कई लोग, ज़्यादातर लोग इस टाइम पे अपने उसी व्यक्ति के साथ हैं जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन कार्मिक है कि सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है ये आप यहाँ से पता नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर कुछ भी बोलना गलत होगा। तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है दैट इज़ श्योर, बट कौन सा कनेक्शन है इसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग से ही गाइडेंस मिल पाएगी। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का सवाल है कि अभी आप नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, मतलब ब्लॉक हो सकते हैं या आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही ब्रेकअप कर लिया है आपसे और आपको अब घबराहट हो रही है कि वो वापस आएंगी आएंगे या नहीं आएंगी नहीं आएंगे, तो ये सवाल है आपका। ये तो मूव ऑन कर गए हैं एज़ पर कार्ड्स। अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और बहुत लंबे समय से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, मूविंग ऑन की वाइब्स है। इसे एक बार और क्लैरिफाई कर देते हैं आपके लिए। क्या मेरे व्यूवर्स जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, क्या उनके पर्सन वापस आएंगे अगर दूरी बनाए हैं तो? पॉसिबिलिटी अभी है, लेकिन ये तभी वापस आएंगे जब इन्हें आपकी याद आएगी या जब ये अच्छे मूड में रहेंगे। अभी तो ये बिल्कुल बिंदास एनर्जी में है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा नो कांटेक्ट से, बट वापस आएंगे पॉसिबिलिटी है, लेकिन इट विल टेक टाइम। ठीक है, कम से कम 2 महीने यहाँ पर एनर्जी है। जो बहुत लंबे समय से हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो टेम्प्रोरी ब्रेकअप्स हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर टेम्प्रोरी ब्रेकअप्स हैं तो 2 दिन के अंदर 2 हफ्ते के अंदर आ सकते हैं। अगर बहुत लंबे समय से 6 महीने से बात नहीं हुई, 1 साल से बात नहीं हुई, तो आप 2 महीना वेट करिए। अगर 2 महीने के अंदर भी इनका कोई अता पता नहीं है तो फिर बेटर है कि आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन लीजिए या फिर ट्राई टू मूव ऑन। एक बार इनसे क्लियरली बात करके आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का सवाल है कि आपके पर्सन ने डिसीजन लेने के लिए कहा है, उन्होंने मे भी आपसे ये कहा है कि मैं अपने घर में बात करने वाला हूँ या वाली हूँ और बहुत जल्द हम दोनों एक होंगे और मेरे पेरेंट्स मान जाएंगे या नहीं मानेंगे मैं नहीं जानता, बट मैं बात करने वाला हूँ या बात करने वाली हूँ। तो आपके मन में ये सवाल है कि निर्णय क्या होगा, क्या माँ बाप मान जाएंगे, क्या आपके फेवर में डिसीजन होगा। और दूसरा सवाल है आप में से कुछ लोगों का जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप जानना चाहते हैं क्या वो वापस आ जाएंगी या वापस आ जाएंगे, आपकी मुलाकात होगी। सो द आंसर कम हियर इज़ येस फॉर बोथ द क्वेश्चंस। पेरेंट्स भी मान जाएंगे या मना लेंगे आपके पार्टनर, और अगर नहीं भी मानते हैं तो ये आपसे शादी ज़रूर करेंगे चाहे जैसे भी करें। और दूसरा आपने पूछा है कि आपका यूनियन होगा अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, द आंसर इज़ येस। 10 नंबर आया है, हो सकता है अक्टूबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये रीडिंग मैं सेप्टेम्बर में कर रही हूँ इसलिए अक्टूबर बोला। अगर ये रीडिंग आप बाद में देखते हैं, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, क्योंकि मेरी सभी रीडिंग टाइमलेस है, तो उसके बाद कम से कम 10 दिन, ठीक, कम से कम 10 दिन के अंदर आपको ये गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है। नेक्स्ट मैसेज, आप में से कुछ लोगों को बहुत ड्रीम्स आते हैं कि आपके पर्सन या तो आपको मंदिर में नज़र आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डिवाइन बॉन्ड है। आप में से कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपका कुछ आपको साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं, डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो क्या ये सब आपका इल्यूजन है या ये सच है, ये आप जानना चाहते हैं। वी हैव मजिशियन, अगर यही सेम चीज़ इन्हें भी फील होती है तो ये सच है, बट अगर ये चीज़ इन्हें फील नहीं होती देन इट्स इल्यूजन। दोनों तरफ से अगर है तो ये सच है, कोई बदल नहीं सकता इस सच को, लेकिन अगर वन साइडेड एनर्जी है तो फिर ये आपका इल्यूजन हो सकता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। आप में से कुछ लोग क्लैरिटी चाहते हैं, आप अटके हुए हैं बहुत बुरी तरह से आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में और आपको क्लैरिटी चाहिए, आप अब और स्टक नहीं रहना चाहते, तो आप जानना चाहते हैं क्या ये आपके लिए स्टेप्स लेंगे। वी हैव 3 ऑफ कॉइंस विद 3 ऑफ कप्स। 100% आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये भी खुश रहना चाहते हैं, ये भी अपनी लाइफ में वर्कआउट करना चाहते हैं,
अगर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है तो ये भी आपके लिए स्टेप लेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको। और अगर आप दोनों हैप्पी रिलेशनशिप में हैं, बस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या सेपरेशन आ गया है किसी रीज़न से, तो भी यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो विद इन 3 मंथ्स आपको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड सभी क्लैरिटीज़ मिल जाएंगी, और मिनिमम 3 डेज और 3 वीक्स के अंदर भी कुछ लकी वंस को क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मैंने डबल क्लैरिफाई उन कार्ड्स को ही किया है सिर्फ, जो मुझे थोड़े कन्फ्यूजिंग से लगे, जो जवाब मुझे ही समझ में नहीं आए कि क्यों इतनी सैड एनर्जी है। और सिर्फ सैड एनर्जी पे मैं प्रेडिक्शन नहीं करती हूँ, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया कि ये टेम्प्ररी है या परमानेंट है। तो दीज आर टेम्प्ररी एनर्जीज, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट है आपके पार्टनर में, तो हार मानने वालों में से तो नज़र नहीं आ रहे। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद रखिए, पॉजिटिव रहिए। और जहाँ तक बात है इस कार्ड की, जो मैंने कहा था कि क्या कौन सा कनेक्शन है कुछ लोगों के मन में था, तो उसका एक्यूरेट जवाब आपको कलेक्टिव रीडिंग से नहीं मिलेगा, और कभी फाइंड आउट भी मत किया कीजिए। कनेक्शन जानना है तो एनर्जी रीडिंग इज़ मस्ट, या फिर अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।